चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी टू के लिए और ग्रुप डी के लिए जो टारगेट बैच अनाउंस था उसकी शुरुआत आज हम लोग शुरू से करते हैं। एक बेहतरीन अंदाज में हो चुका आगाज रण का भविष्य बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष हो जारी। हो चुका आगाज रण का भविष्य बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। इसी खूबसूरत नगमों के साथ आज हम लोग अपने क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। ये जो क्लास होगा मेरे दोस्त, आप ध्यान से समझेंगे। पहले हम आपको कंसेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट के बाद ही सवाल कराएंगे। कंसेप्ट हर चैप्टर का आपको पहले दिया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं उस टाइप के ही सवालों का संग्रह आपको बताया जाएगा। उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वह आसान क्वेश्चन हो, चाहे वह हार्ड क्वेश्चन हो, चाहे वह मॉडरेट क्वेश्चन हो, हर तरीके के हर लेवल के सवाल आपको मैं कराऊंगा। एक चीज आप ध्यान से समझेंगे कि बस यकीन रखना है कि जो भी होगा वह बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, उस नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 1 आपका पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, उससे शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, ध्यान देंगे। यदि 7a9634 माइनस 56b879 बराबर 13975, तो कहा गया है ए और बी के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। मेरे बात समझिएगा मेरे दोस्त, ये सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमने क्या कहा, 7a9634 माइनस 56b879 बराबर है 13975। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा तो हल करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप समझेंगे बात को। घटाने से ज्यादा आसान कहीं ना कहीं जोड़ना होता है, तो तरीका अपनाएंगे कि जो माइनस वाला साइन है इसको अपोजिट साइड में हम लेकर चले जाएंगे। तो जैसे ही अपोजिट साइड में ये जाएगा तो मेरे दोस्त आप लिख सकते हैं 7a9634 बराबर होगा 13975 के, अब प्लस 56b879 के। अब क्या होगा, जब भी आप जोड़ करते हैं, जब भी आप ऐड निकालते हैं, उस केस में आपको पता होगा कि सबसे पहले यूनिट डिजिट को जोड़ा जाता है, फिर टेंस डिजिट को जोड़ा जाता है, फिर 100 को। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्रमागत रूप से बढ़ते रहते हैं। तो तरीका होगा, अगर मैं बात करूं 9 और 5 को काट दिया तो 14, हर्षिल 1 हो गया और यहाँ 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद 7 5 12 1 13, हर्षिल अभी भी 1 है। 8 और 7 15 1 16, हर्षिल 1 सही है। ध्यान दीजिएगा 9 1 10, 10 में क्या जोड़े, 10 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, अर्थात आप कहेंगे सर 9 जोड़ना पड़ेगा। 10 में हम क्या जोड़े, 9 9 18, 1 हर्षिल था, 19, 9 आ गया, हर्षिल अभी भी 1 है मेरे दोस्त। 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। ध्यान दीजिएगा 6 और 3 9, 1 हर्षिल था, 10 हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 0, अर्थात आप कह सकते हैं कि सर ए के जगह पे 0 आएगा और बी के जगह पे क्या 2 आएगा। ए के जगह पे 0 आएगा तो बी के जगह पे क्या 2 आएगा। तो ध्यान दीजिए, कहा गया है कि बी के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो बी के स्थान पर आपका कौन सा अंक आएगा, बी के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बी के स्थान पर आपका 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान से समझिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि माइनस था, माइनस से ज्यादा आसान आपको जोड़ना होता है, तो जो टर्म आपका माइनस में है उसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वह पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा और वह प्लस बन जाएगा, और प्लस करने के बाद एक एक अंक को हमने काटते हुए क्या किया, सबको जोड़ते हुए चला, और जोड़ने के बाद हमने क्या प्राप्त किया कि ए का मान 0 और बी का मान कितना 9, बी का मान कितना 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 9-7536 माइनस 59 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये 59 प्लस है, ये साइन है मेरे दोस्त, ठीक है, ये प्लस 59 प्लस नहीं है, 59 प्लस है। 963 बराबर है 369573 के, तो
तो कहा गया है प्लस के स्थान पर और डैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, प्लस के स्थान पर और डैश के साइन के जगह पर कौन सा स्थान अंक आएगा। ध्यान समझिए, हम क्या कर रहे हैं, नाइन स्टार के जगह पे हम लिख लेते हैं ए, 7536 बराबर, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 369573, अब प्लस कितना 59 प्लस उसके बाद क्या है 963। अब मेरे दोस्त क्या है, अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो तीन और तीन कितना छह, सही है, 6 और 7 13 ये भी सही है, हासिल एक हो गया, 9 और 5 14 हासिल कितना एक, 9 और 5 14 1 15 हासिल एक। अब ध्यान दीजिएगा 9 1 10, 10 में क्या जोड़े, 10 में क्या जोड़े कि आपका 7 आ जाए, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 जोड़िए, तो आप कहेंगे प्लस के जगह पे क्या आएगा 7 आएगा। देख लीजिए 9 व 7 16, 1 हासिल था 17, 10 9 7 16 1 हासिल 17 17 सही है, हासिल अभी भी एक है, 9 और 6 15, 15 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 16, ये 6 हो जाएगा, अर्थात ए के जगह पर आपका 6 आएगा और प्लस के जगह पे जो है डैश के जगह पे ए आएगा और प्लस के जगह पे आपका 7 आएगा, यानी 6 और 7। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, शशि, राज, सीमंत, राजेंद्र, नितिन, अमित कुमार, रमेश कुमार, रामनाथ दास, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान देना है आपको, मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले जो लोग अभी जुड़ रहे हैं मेरे से, मैं अभी इससे ही कमेंट आपका देख रहा हूं, शुरुआत में मैंने कमेंट नहीं देखा था मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए, इस बैच में आपको इस तरीके से इतना मैं जरूर पढ़ा दूंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सर ने बताया। आप ध्यान से समझेंगे, एकदम बेसिक से समझना है और बेसिक से ही मैं पढ़ाऊंगा कोई भी चीज, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर एनटीपीसी में अगर आपको सही करना होगा, एनटीपीसी में अगर आपको सही करना होगा तो मेरे साथ चलना होगा, मेरे कदम से कदम को मिलाकर चलना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो आज हम लोग अपने सेशन का शुरुआत कर चुके हैं और ये कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है, कंटिन्यूअस केवल करिएगा, कंटिन्यूटी अगर बरकरार रहती है तो मेरे दोस्त सफलता आप छीन लेंगे, ये मेरा वादा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7A। देखिए ये सवाल जो है बहुत बेहतर सवाल है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त, 7A16 - B695 + 436 बराबर है 41C7 के बराबर, तो कहा गया है ए बी सी के स्थान पर कौन सा मान आएगा, ए बी सी के स्थान पर कौन सा मान आएगा। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, इजी क्वेश्चन स्किप कीजिए सर, बिल्कुल करेंगे रवि जी, आप हड़बड़ाना नहीं है किसी भी चीज को, टाइम हमारे पास बहुत है, वैसा कुछ नहीं सोचना है कि 60 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में तो क्या करना होगा, आप बिल्कुल इसका टेंशन ना ले, मैं एकदम आपको 100% 50 घंटे में कराऊंगा, ठीक है, 50 डेज में आपका बिल्कुल मैं कराऊंगा और इतना कराऊंगा कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में, उसके लिए आप बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है आपको, हड़बड़ाने से परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, आते हैं 7A16 + 436, ये माइनस में है इस साइड जाएगा तो ये मेरे दोस्त आपका आ जाएगा 41C7 अब प्लस B695। अगर हम बात करें तो इधर LHS का सम और RHS का सम दोनों बराबर होना चाहिए, LHS का सम और RHS का सम हमें बराबर होना चाहिए, यहां जो है ABC तीन अलग अलग वेरिएबल्स है और इन तीनों का मान आपको चाहिए होगा, तो हम करते क्या है मेरे दोस्त, अगर एक एक अंक को काटे तो 5 7 12, देखिए 6 6 12, ठीक है, इधर भी दो, मेरी बात समझिएगा, यहां क्या है 9 और 1 हासिल था 10, 10 में क्या जोड़ेंगे, इधर देखिए 3 और 1 4, 1 हासिल था मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा 5, 3 और 1 4, 1 हासिल था 5, यहां हमने किया 9 में 1 जोड़ दिया हासिल वाला तो 10 हो गया, 10 में क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी आप कहेंगे सर सी का मान 5।
ध्यान से समझिएगा, सी बराबर आ गया किसके, पांच के। सी किसके बराबर आया, पांच के। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, यहां कोई हासिल नहीं है। अगर बात करें छवा एक कितना, सात, छवा एक कितना, सात, तो चार में कितना जोड़े ताकि सात बन जाए, तो आप कहेंगे सर तीन जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ए का मान भी हमने निकाल लिया कितना, तीन। कोई हारसिल नहीं है मेरे दोस्त। अब ध्यान दीजिए, यहां सात है और यहां कुछ नहीं है तो जीरो लगाएंगे, सात और जीरो सात हो गया। चार में कितना जोड़े, चार में कितना जोड़े ताकि हमारे पास सात आ जाए, तो तीन जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, तीन जोड़ना पड़ेगा, तो बी का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तीन। बी का वैल्यू तीन। ध्यान से फिर से समझेंगे मेरी बात को, फिर से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। सर जी रिपीट कीजिए एक बार, बिल्कुल संजीव जी बिल्कुल, मैं ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, क्या है सभी लोग देखिए, कमेंट अभी छोड़ के, कमेंट ज्यादा नहीं करना है, आप ध्यान समझिए, पहले सवालों को आप सीखिए, समझिए बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर बिल्कुल मैं समझ गया, ये कौन सा चैप्टर बना रहे हैं। कृष्णा, कृष्ण यादव जी, ये आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, ये नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम में इस तरीके के सवाल भी पूछे गए हैं जो आपको तंग कर सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे सवाल कलेक्शन किए हैं। ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां है 7A16, 7A16, माइनस वाले टर्म को हम इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, माइनस वाले को हम इस साइड भेज देते हैं, प्लस 436, 436 बराबर 41C7 और प्लस B695, B69 और 5। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, ध्यान क्या देना है अब समझिएगा, पांच और सात 12, यानी LHS अलग और RHS अलग, LHS का सम जितना होगा उतना ही सम RHS का भी आना चाहिए, तो सात और पांच 12, छ और छ 12, इधर भी दो आ रहा है यूनिट डिजिट और इधर भी दो हमारे पास यूनिट डिजिट आ रहा है, हारसिल कितना हुआ, एक हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, तीन और एक चार, एक हारसिल था तो यहां तो पांच आ गया। अब बात करेंगे, नौ एक हारसिल था, दस, दस में कितना जोड़ेंगे कि पांच आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर दस में अगर पांच जोड़ते हैं, दस में पांच जोड़ते हैं तो 15 आएगा, अर्थात सी के जगह पे आएगा कितना, पांच, सी के जगह पे पांच। ध्यान से समझिएगा, सी के जगह पे हमने निकाल लिया है, सी आ गया है कितना, पांच। आप समझना, यहां पांच आ गया, नौ पांच चौदह, हारसिल एक था, नौ पांच चौदह एक 15, हारसिल एक अभी भी है, देखिएगा छ और एक सात, एक हारसिल था इधर आ गया आठ, इधर आठ आया। अब देखो चार में हम कितना जोड़े कि हमारे पास आठ आ जाना चाहिए, तो चार में आपको चार जोड़ना पड़ेगा, चार और चार कितना, आठ। मेरी बात समझ में आ रही, यानी ए का मान आपने निकाल लिया कितना, चार। ए का मान कितना निकाला मेरे दोस्त, चार। अब हारसिल कोई न तो इधर है न तो इधर है, तो चार में आप कितना जोड़ेंगे कि आपके पास केवल और केवल सात आ जाए, तो चार में आप कहेंगे सर तीन जोड़ा जाएगा तो उसकी वैल्यू सात आ जाएगी, अर्थात ए के जगह पे आपने लिखा क्या, ए के जगह पे आपने लिखा तीन, बी के जगह पे कितना लिखा, ए के जगह पे आपने लिखा है, ए कहां है, ए के जगह पे चार, बी के जगह पे तीन और सी के जगह पे कितना, पांच। चार तीन पांच, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या अभी समझ में आया, ऊपर वाला ऊपर वाले लोगों हटा दीजिए, दिख नहीं रहा है, ऊपर वाला लोगों हटा दीजिए, नहीं दिख तो रहा है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या है अगला सवाल, 2*5 प्लस 43* प्लस *52 बराबर 1131 है, तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा मान प्रयोग होगा। ध्यान देना है, 2*5 प्लस 43* प्लस *52 बराबर 1131 है मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा। तो कहा गया है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे, ये सब जगह स्टार है, इसका मतलब एक अगर स्टार की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो सब जगह आपको स्टार सेम ही होगा, सब जगह स्टार क्या होगा, सेम होगा। देखिए वहां इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ए अलग, बी अलग, सी अलग, ए बी सी तीनों अलग अलग
संख्याएं थी, इसलिए हमको वैल्यू निकालना पड़ा। लेकिन इस केस में क्या है कि सब जगह स्टार है, यानी स्टार की वैल्यू अगर आप एक जगह निकाल लेते हैं तो बात बन जाएगी। बात करेंगे दो पांच सात, सात में कितना जोड़े की इकाई का अंक एक आ जाए, सात में कहेंगे सर चार जोड़ दीजिए, यानी स्टार के जगह पर आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि स्टार के जगह पे कितना चार आएगा, यानी चार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कृष्णा मिश्रा, बफरिंग हो रहा है सर, बफरिंग हो रहा है सर। अच्छा बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका भी नेट का स्पीड स्लो हो सकता है, मेरा भी नेट का स्लो स्पीड हो सकता है, तो उसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक हो गया होगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ध्यान देना है, ध्यान देना है मेरे दोस्त, क्या है थोड़ा सा कंसेप्ट आप ले लीजिएगा इस सवाल को देखने से पहले, थोड़ा सा कंसेप्ट की बारी है। अब कंसेप्ट क्या आता है ध्यान से सुनिएगा। मान लिया जाए मेरे दोस्त, मान लिया जाए एक बटा दो लिखा हुआ है, एक बटा दो लिखा हुआ है, ठीक है, एक बटा दो लिखा है। छोटी छोटी इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को आप याद रखेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। एक बटा दो लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या एक बटा एक गुना दो। अगर हम कहें तो ये दो जो है वन इंटू टू में जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये कहलाता है मेरे दोस्त आपका फैक्टर। क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। यानी हर का अर्थात डेनोमिनेटर का फैक्टर अगर मैंने तोड़ दिया तो इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस देखिए, इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर है, न्यूमरेटर के बराबर है। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं वन माइनस वन बाई टू या वन बाई वन माइनस वन बाई टू लिखा जा सकता है। टू और वन का डिफरेंस अगर वन है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वन बटा वन माइनस क्या वन बाई टू। देखिए वन बटा वन माइनस वन बाई टू करेंगे तो ये फिर आपका आ जाएगा कितना हाफ, कितना आ जाएगा हाफ, हाफ लेकर चला था और हाफ फिर से ला दिया। कहने का मतलब, कहने का मतलब ध्यान समझिए, अगर मैं कहूं एक बटा तीन गुना चार, एक बटा तीन गुना चार, बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितने का है मेरे दोस्त? इन दोनों के डिफरेंस आप कहेंगे सर वन का है। अगर वन का है तो ऊपर में भी वन है, यानी ऊपर में भी जब वन है तो इसको आप लिख सकते हैं एक बटा तीन माइनस एक बटा कितना बारह, एक बटा तीन माइनस एक बटा चार, एक बटा तीन माइनस एक बटा चार। उसी प्रकार से अगर मैं बात कहूं कि तीन बटा चार गुने सात है, तीन बटा क्या है चार गुना सात है, अगर तीन बटा चार गुना सात है मेरे दोस्त तो बताइए चार और सात का डिफरेंस क्या है तीन है और ऊपर भी क्या है तीन दिख रहा है। तो किसी भी विद्यार्थी को यहां ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर तीन बटा चार माइनस तीन बटा सात लिखेंगे, तीन बटा चार माइनस तीन बटा सात चाहिए। लेफ्ट कॉर्नर पर लोगो, लोगो कहां दिख रहा है, तीन बटा चार गुना सात है तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस अगर सेम है तो इसको हम लिखेंगे वन बाई फोर माइनस वन बाई सेवन ही। ऐसा नहीं करेंगे कि तीन बटा चार माइनस तीन बटा सात कर देंगे, और तीन बटा चार माइनस तीन बटा सात करेंगे तो वैल्यू आपको चेंज मिलेगी, वैल्यू आपको क्या होगी चेंज मिलेगी। कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ था ये तीन बटा अट्ठाईस लिखा हुआ था। अगर हम बात करें यहां एलसीएम लेंगे तो अट्ठाईस आ जाएगा, सात इकाई सात में से चार घटेगा तीन बटा अट्ठाईस आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तीन बटा चार गुने सात लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बटा चार, यदि कंसेप्ट कहता है कि इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस अगर न्यूमरेटर के बराबर हो, अगर अंश के बराबर हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हमेशा एक बटा छोटा वाला माइनस एक बटा क्या बड़ा वाला, एक बटा छोटा वाला माइनस एक बटा बड़ा वाला। अभिषेक कुमार सर, लेफ्ट कॉर्नर पर लोगो हटा दीजिए, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा देख लेते हैं, अब सवाल पे आते हैं, अपने सवाल पे आते हैं। क्या है सवाल आपका, ध्यान दीजिएगा, सवाल था हमारे पास, सवाल हमारे पास था मेरे दोस्त इस प्रकार से, वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स प्लस वन बाई 12 प्लस 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30 प्लस 1 बटा एन स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, एन स्क्वायर प्लस एन, क्वेश्चन एनटीपीसी में क्या पूछा गया था ये भी मैं चर्चा करूंगा यहां, ध्यान से समझना। पहले इसको हम लिख सकते हैं एक बटा एक गुना दो, बोलो एक बटा दो गुना तीन, एक बटा तीन गुना चार,
एक बटा चार गुना पांच, देखिए तो सीरीज पकड़ में आ रही है क्या? दो, एक गुना दो, दो गुना तीन, तीन गुना चार, चार गुना पांच, पांच गुना छह, वैसे ही ये डॉट 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 वन बटा एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। देखिए एन इंटू एन प्लस वन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर अब प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन। अब मेरी बातों को समझेंगे, अगर मैं बात करूं तो जो हमने सीखा कंसेप्ट उसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, वन बटा वन माइनस वन बाई टू, इसको हम लिखेंगे वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव, इसी प्रकार से आगे जब लिखेंगे मेरे दोस्त तो ये आ जाएगा वन बटा एन प्लस वन, सॉरी माइनस वन बटा एन प्लस वन, एन प्लस वन, ध्यान देंगे माइनस वन बटा एन प्लस वन। अब देखो तो ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल होगा, आपका बचा हुआ रहेगा वन बटा वन माइनस वन बटा क्या एन प्लस, एन प्लस वन। अगर एलसीएम ले ले तो आपका आ जाएगा एन प्लस वन बटा क्या माइनस वन बटा एन प्लस वन, अर्थात आप लिखेंगे एन बटा एन प्लस वन इज द करेक्ट आंसर, एन बटा एन प्लस वन ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। एक एन बटा एन प्लस वन इज द करेक्ट आंसर। मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्त, मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। अब क्या है, अब क्या है, इतना कुछ नहीं करना है आप सभी को, इतना कुछ बिल्कुल नहीं करना है, आप क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे समझिएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट से हो गया जिसमें आपको समय लग सकता है, तो हम तरीका क्या अपनाएंगे ध्यान से देखिएगा, तरीका ये अपनाएंगे मेरे दोस्त, तरीका क्या होगा ध्यान से समझिएगा। अगर एक बटा दो है तो इसको यहीं पर ब्रेक कर लेंगे, एक गुना दो ये आ जाएगा, दो गुना कितना तीन, ये हो जाएगा तीन गुना चार। क्या देखिए प्रत्येक पदों के हरों के गुणनखंडन का अंतर यदि अंश के बराबर मिल रहा हो, प्रत्येक पदों के हरों के गुणनखंडन का अंतर अंश के बराबर हो तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा, हमेशा उत्तर के रूप में एक बटा पहले पद का छोटा वाला। अब बताइए पहले पद में छोटा वाला, एक में और दो में छोटा कौन है, तो एक है, एक बटा एक माइनस एक बटा अंतिम पद का बड़ा वाला। अब अंतिम पद का बड़ा नंबर जब होगा तो ध्यान समझिए, यहां एन इंटू एन प्लस वन आया तो एन और एन प्लस वन में बड़ा एन प्लस वन है तो एन प्लस वन हो जाएगा। डायरेक्ट हम करेंगे एन प्लस वन माइनस वन बटा एन प्लस वन, ये आपका कैंसिल, एन बटा एन प्लस वन इज द राइट आंसर, एन बटा एन प्लस वन इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले, उससे पहले क्या क्वेश्चन था ध्यान समझिएगा, एनटीपीसी सीबीटी वन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये चीज समझना होगा हम सभी को, ध्यान से देखिएगा, मिटा दे इसको। चलिए एनटीपीसी में जो सवाल पूछा गया था वह क्या था मेरे दोस्त, ध्यान से देखना, सवाल था एक बटा एक गुना दो, एक बटा दो गुना तीन, एक बटा तीन गुना चार, और डॉट 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 यहां लिख दिया था 25 पद, समझना 25 पदों तक का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, 25 पदों तक का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना। समझिए पहले पद में छोटा वाला कितना आ रहा है, एक, पहले पद में छोटा वाला कितना आ रहा है एक, और पहले पद में ही बड़ा वाला कितना आ रहा है दो, यानी बड़ा वाला एक आगे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बड़ा वाला एक आगे जा रहा है, बड़ा वाला एक आगे जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर 25 पद लिखा हुआ था यानी जो 25वां पद होगा, जो 25वां पद होगा वह होगा एक बटा 25 गुने क्या 26 होगा क्या मेरे दोस्त बताइए, 25 पद तक लिखा हुआ था, पहले पद में पहला वाला छोटा वाला एक है और बड़ा वाला टू है, दूसरे पद में छोटा वाला दो है और तीसरा बड़ा वाला क्या है तीन, यानी बड़ा वाला जो है ना एक पद आगे जा रहा है, एक पद आगे जा रहा है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा एक बटा एक, एक बटा एक माइनस एक बटा कितना 26, 26 से कहीं 26, 25 बटा 26 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 25 बटा 26 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है सभी को, एक बार कमेंट कर दीजिए, यस यस कर दीजिए एक बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान देना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बटा सात गुना दस प्लस एक बटा दस गुना तेरह प्लस एक बटा तेरह गुना सोलह प्लस एक बटा सोलह गुने उन्नीस प्लस एक बटा उन्नीस गुने बाईस प्लस एक बटा बाईस गुने पच्चीस। ध्यान समझिएगा, एक बटा सात गुना दस है, एक बटा दस गुना तेरह है। हमने कंसेप्ट क्या बताया था, हमने कहा था कि एक बटा अगर सात गुना दस है, एक बटा सात गुना दस है सर, इन दोनों का डिफरेंस अगर तीन है और ऊपर तीन रहता तो डायरेक्ट हम लिखते एक बटा सात माइनस एक बटा दस, एक बटा सात माइनस एक बटा दस। ध्यान से समझिएगा, एक बटा सात माइनस एक बटा दस, यहां क्या है, सात और दस का अंतर देखिए तीन का है, ऊपर एक दिख रहा है। दस और तेरह का अंतर तीन का है, ऊपर एक दिख रहा है। तेरह और सोलह का अंतर तीन का है लेकिन एक दिख रहा है। सोलह और उन्नीस का अंतर अगर एक है और तीन है लेकिन एक दिख रहा है। उन्नीस और बाईस का डिफरेंस क्या है, तीन है लेकिन एक दिख रहा है। तरीका क्या होगा, आप इस चीज को जानते हैं, उसको यूज कैसे करना है इस चीज को नहीं समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या है, अगर मान लिया जाए कि एक संख्या हमने कोई दो लिख दिया, हमने क्या लिखा, एक संख्या हमने दो लिख दिया, इस संख्या में अगर मैं तीन से गुना कर दूं, तीन से गुना कर दूं तो तीन से गुना करने पर आ जाएगा कितना, सिक्स। दो में हमने तीन से गुना किया था, संख्या थी दो लेकिन हमने कहा तीन से गुना कर दो, तीन से गुना कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि जो प्रोडक्ट आ गया, जो गुणनफल आ गया, उसमें तीन से डिवाइड कर दीजिए, जिससे गुना किया गया था उसी से मैं कहूं भाग दे दो तो फिर तो हमारे पास दो ही आ जाएगा। कहने का मतलब, यदि किसी संख्या से, यदि किसी संख्या में जितने से गुना किया जाए उतने से ही भाग दे दिया जाए तो उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट यहीं पर समझिएगा, मान लिया जाए कि मेरे पास दस रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं, दस रुपए हैं, किसी व्यक्ति से मैंने पचास रुपए ले लिए तो अब हमारे पास कितने हो गए, साठ रुपए हो गए, और फिर पचास हमने किसी और व्यक्ति को दे दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमारे पास दस ही रुपए होंगे। कहने का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि जितना किसी से लिया जाए उतना ही किसी से दिया जाए, जिससे लिया जाए जितना लिया जाएगा उतना ही अगर दिया जाएगा तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से जिस संख्या से आप किसी संख्या में गुना करेंगे उस संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन था ये हमारे पास, एक बटा सात गुना दस, एक बटा दस गुना तेरह, एक बटा तेरह गुना सोलह। हम क्या कर रहे हैं इसमें, जब देख लिया हमने कि यहां तीन का अंतर, यहां भी तीन का, यहां भी तीन का, यहां भी तीन का, यहां भी तीन का और यहां भी तीन का अंतर है, सभी जगहों पर तीन का अंतर है तो तीन से गुना और तीन से भाग हमने कर दिया। तीन से गुना और तीन से जैसे ही हमने भाग किया तो ये तीन ऊपर वाला मेरे दोस्त इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सभी का है। तो आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त एक बटा तीन, इस तीन को अंदर लेकर चले जाते हैं तो अब आपका आ जाएगा तीन बटा चार गुना सात प्लस तीन बटा सात गुना दस डॉट 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 तीन बटा बाईस गुना पच्चीस, तीन बटा बाईस गुना पच्चीस। अब ध्यान दो, अब तो मेरे दोस्त ये कंसेप्ट पे हमारे आ गया ना कि इन दोनों का अंतर ऊपर है तो डायरेक्ट लिखेंगे एक बटा चार माइनस एक बटा अंतिम पद का बड़ा वाला कितना पच्चीस, और यहां एक बटा तीन रहेगा, यानी एक बटा तीन इंटू पच्चीस इकाई पच्चीस में से एक घटेगा चौबीस बटा सौ, चौबीस बटा सौ, तीनों वाले चौबीस, ये आपका आ जाएगा आठ बटा पच्चीस इकाई पच्चीस माइनस चार, सॉरी यहां देखिए पच्चीस एक बटा तीन इंटू ये पच्चीस चौका सौ और ये हो जाएगा पच्चीस में से चार घटेगा इक्कीस बटा सौ, इक्कीस बटा सौ, तीन सात इक्कीस यानी सात बटा एक सौ, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सात बटा एक सौ, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सात बटा एक सौ। ऑप्शन थोड़ा सा सुधार लेंगे, एक बटा तीन यहां एक बटा चार माइनस एक बटा पच्चीस हमने किया, पच्चीस तक ही था, यहां हो जाएगा कितना पच्चीस से कहीं पच्चीस में से चार घटेगा इक्कीस बटा सौ और इक्कीस बटा सौ के तीन सत्य सात बटा सौ, सात बटा सौ इज द राइट आंसर, सात बटा सौ इज द राइट आंसर। सेवन बाई हंड्रेड कर लीजिएगा मेरे दोस्त, सेवन बाई एक ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, सेवन बाई हंड्रेड, सेवन बाई हंड्रेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 + 5/36 प्लस 7/144 --19/8100। ध्यान देंगे अगर 3/4 है मेरे दोस्तों, आप लिख सकते हैं 3/1 × 4 लिखा जा सकता है, 4 और 1 का अंतर कितना 3 का। यहां लिखा जा सकता है 5/4 × 9। अगला लिखा जा सकता है 7/9 × 16 16 × 144। यहां हम लास्ट में लिख देते हैं 19/81 × 100। ध्यान दीजिएगा 81 × 100। अब देखो तो मेरे दोस्त क्या 4 और 1 का अंतर 3 है, 9 और 4 का अंतर 5 है, 16 और 9 का अंतर 7 है, 81 और 100 का अंतर कितना 19 है, 81 और 100 का अंतर 19 है। तो यहां आपका आ जाएगा 1/1 − 1/100 ध्यान दीजिएगा 1/1 − 1/100। यहां से जब हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 99/100 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 99/100 इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, 99/100 इस सवाल का सही उत्तर होगा। संजीव कुमार शर्मा सर गलत है उसका आंसर, बिल्कुल देख लीजिए क्या है, देख लेते हैं, देख लो 3 से जैसे ही गुना किए तो बाबू 1/3 तो आपका बाहर रहेगा, 3/10 = 7। अच्छा सॉरी, रुक जाओ। हाँ बिल्कुल संजीव जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी जो लोग भी हैं, हमने 4 से शुरुआत कर दिया है लेकिन है 7 से, ठीक है कोई बात नहीं, यहां से ले लो, यहां से ले लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा इधर यहां आपका आ जाएगा 1/3 × 3/7 × 10। बिल्कुल आपने सही कहा है 3/10 × 13 3/22 × 25। बिल्कुल यहां देखो तो बाबू 1/3 यहां आ जाएगा 1/7 − 1/25 1/25 तो यहां हो जाएगा 25 से कहीं 25 में से 7 घटेगा 1/3 × 25 में से 7 घटेगा 18/175 3×6 = 18 6/175 इज द बी ऑप्शन। बिल्कुल आप सही बोले, आप लाइव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लाइव ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसी गलतियां होती रहती है, हो सकता है कि मिस्टेक कहीं हो जाए। 1/4 से हमने शुरू कर दिया था इसलिए 1/7 × 10 से शुरुआत था, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो सुन लीजिए मेरे दोस्त, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले से बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 568 − 68/7 568 − 68/7 बराबर पूछा गया है। हुआ 568 − 68/7 का मान क्या होगा, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त क्या है। अगर हम बात करें 568 − 68/7 का यदि मान निकालना है तो 568 − 68/7 का वैल्यू जब निकालना है तो विद्यार्थी करेंगे यहां से गुना −68/7। डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है थोड़ा सा समझेंगे, अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर बढ़ा लीजिए। क्या है मेरे दोस्त, अगर मैंने कोई संख्या लिखी 5, कोई संख्या हमने क्या लिखी 5, अगर कोई संख्या हमने 5 लिखी है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 4 पूर्णांक 1/1 4 × 4 = 4 जोड़ेंगे तो 5 × 5/1 यानी 5 4 पूर्णांक 1/1। हमने क्या कहा कि जो संख्या, अगर कोई संख्या लिखी गई है और उसको हमें संयुक्त संख्या, देखो ये जो संख्याएं होती है ना ये संयुक्त संख्या कहलाती है, संयुक्त संख्या के रूप में लिखनी है तो तरीका होता है मेरे दोस्त कि उससे एक कम को पूर्णांक हम लोग बनाते हैं और 1/1 लिख देते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। तो तरीका लिखेंगे कि 568 यदि है तो आप लिखेंगे 567 पूर्णांक 1/1 माइनस ध्यान समझिएगा 68/7 है मेरे दोस्त, 68 बटा क्या 7, तो 7/9
तिरसठ, 9.57 लिखा जा सकता है। 9 7 63 और 5 कितना 68/7 लिखा जा सकता है। अब बताइए, आप सभी को पता होगा कि 567 में से पहले सर 9 को घटा लिया जाता है, 567 में से पहले 9 को घटा लिया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 17 में से अगर 9 घटेगा तो 8, 558, 558। और बचा हुआ क्या है मेरे दोस्त, तो 1/1 - 5/7 बचा हुआ है, यानी 7 × 7 में से 5 घटेगा 2/7 आ गया, यानी आपका आंसर जो होगा 558.2/7 होगा, 558.2/7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। अभिषेक कुमार बिल्कुल अच्छा चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है मेरे दोस्त, जब भी इस तरीके का सवाल हो, जब भी इस तरीके का सवाल आपका आए तो डायरेक्ट आंसर पर पहुंचना है, और डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है थोड़ा सा बात को समझ लेंगे। जैसे हमसे पूछा गया कि 568 - 68/7, इसको तो पहले आप लिख लीजिए, तो 568 लिख लिया माइनस 7 9 63 5/8 हमने लिख लिया, कुछ नहीं करना है। ये जो पूर्णांक होगा ना, ये जो पूर्णांक होगा उससे एक ज्यादा करके घटाना है, यानी 568 में से 9 नहीं घटाओगे, कितना 10 घटाओ, हमेशा एक ज्यादा घटाना है, हमेशा क्या एक ज्यादा घटाना है, हमेशा एक ज्यादा घटाना है। तो बताइए 568 में से अगर 10 घटाएंगे तो 558 आएगा। मेरी बात फिर समझिएगा, जो पूर्णांक है उस पूर्णांक को डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, उससे एक ज्यादा लेकर घटाएंगे तो 558 माइनस 5, 8 से देखिए कितना ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, 8 जो है 5 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3/8 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, 558.3/7, 3/ यहां 8 नहीं है, यहां क्या है 5/7 है, तो ये हो जाएगा कितना 558.5/7 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/7, 558.2/7 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, 558.2/7 इज द राइट आंसर। इसका पीडीएफ तो चला गया है अभिषेक जी, इसका पीडीएफ, सवाल का पीडीएफ गया हुआ है, देख लीजिएगा, आपके ऐप पे लोड है, अपलोड है, ठीक है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 90 तक की प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। 21 से लेकर 90 तक, 21 से लेकर 90 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो सबसे पहला चीज क्या है समझिएगा, नोट करना होगा, पहला नोट करना होगा, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का, यानी नेचुरल नंबर का, प्राकृत संख्याओं का यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का योगफल जो होता है मेरे दोस्त, जो योग होता है वह होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ध्यान देंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वह होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। समझिएगा, हमसे कहा गया है 21 से लेकर 90 तक, तो अगर हम बात करें, यानी आपको निकालना है 21 + 22 + 23 ……up to 90, 21 से लेकर 90 तक का अगर सम निकालना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, प्रथम एन प्राकृत संख्याएं, इसमें शुरुआत तो एक से होती है, शुरुआत क्या होती है एक से होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 21 से लेकर सर अगर 90 तक निकालना है तो 1 से लेकर 90 तक के सम में से, समझिएगा, 1 से लेकर 90 तक के सम में से 1 से लेकर 20 तक का सम घटा लिया जाए तो जो सम प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 21 से लेकर 90 तक। फिर से मेरी बातों को समझेंगे, हमने क्या कहा, 21 से लेकर 90 तक का यदि सम आपको कैलकुलेट करना है तो हमने 1 से लेकर 90 तक के सम में से, 1 से लेकर 90 तक के सम में से 1 से लेकर 20 तक के सम को घटा दे तो क्या 21 से लेकर 90 तक का सम आ जाएगा, तो 1 से लेकर 90 तक का सम आ जाएगा 90 × 91/2 माइनस, 1 से लेकर 20 तक का सम जब लिखेंगे तो 20 × 21/2, काट लीजिए 10 बार में और यहां काटिए 45 बार में, 45 बार में 45 गुने 91
पैंतालीस गुने इक्यानवे करेंगे मेरे दोस्तों, आ जाएगा 5 यूनिट डिजिट। ध्यान से समझना, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 45 गुने इक्यानवे, 5 इकाई 5 यूनिट डिजिट, और यहाँ यूनिट डिजिट 0, यहाँ इकाई का अंक 5 और यहाँ इकाई का अंक 0, तो 5 में से अगर 0 घटेगा तो 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है, क्या हमने कहा कि अगर 21 से लेकर 90 तक का निकालना है तो 21 से 1 से लेकर 90 तक का कैलकुलेट कर लीजिए, उसमें से 1 से लेकर 20 तक को घटा लीजिए, आ जाएगा 21 से लेकर 20 तक। अब 1 से लेकर 90 तक का सम जो होगा, 90 गुने 91 बटा 2 माइनस 20 गुने 21 बटा 2 निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 3885 इज द राइट आंसर। सभी को समझ आ रहा है, सभी लोग को समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे दोस्त। सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर समझ में आ रही है तो हाँ, नहीं समझ में आ रही है तो ना लिखें, और ना लिखने के बाद जरूर पूछें कि सर बायलिंगुअल क्वेश्चन चाहिए। शुभम, शुभम जी आप ध्यान देंगे, बायलिंगुअल क्वेश्चन जो है मैं बोल दूंगा यहां पर ही, ठीक है, मैं यहां पर बोल दूंगा। जैसे कहा गया 60 के प्रथम 80 गुणजों का योगफल, तो आप इंतजार करिए, हम लिख देते रहे हैं, ठीक है। 60 के अगर 80 गुणजों का योगफल कहा गया है तो यह कहा गया 60 के फर्स्ट 80 मल्टीपल का सम क्या होगा, 60 के फर्स्ट 80 मल्टीपल का क्लियर क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, 60 के फर्स्ट 80 मल्टीपल का जब आपको निकालना है योगफल, तो तरीका क्या होगा समझिएगा। 60 का पहला गुणज मल्टीपल क्या होता है, जैसे हमने कहा 60 गुना 1 ये 60 का पहला गुणज होगा, 60 गुना 2 ये 60 का दूसरा गुणज होगा, 60 गुना 3 ये 60 का तीसरा गुणज होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 80 तक हमको चाहिए, कहां तक चाहिए, 80 तक। प्रशांत सिंह नहीं समझ आ रहा है सर, काफी फास्ट है। अच्छा स्लो हो जाते हैं मेरे दोस्त, स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, ध्यान समझिए। इधर 60 के प्रथम 80 गुणजों का योगफल हमसे पूछा गया है, 60 के प्रथम 80 गुणजों का, तो ध्यान समझना। पहला गुणज हमने कहा 60 गुना 1, दूसरा गुणज 60 गुना 2, तीसरा गुणज 60 गुना 3। अगर हम बात करें तो ऐसे करना है आपको, 60 गुना 1 प्लस 60 गुना क्या 2 प्लस 60 गुना क्या 3, 60 गुने क्या 4, डॉट 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 60 गुने क्या 80, 60 गुने क्या 80। मेरी बातों को समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर 60 के प्रथम 80 गुणज है, 60 गुना 1, 60 गुना 2, 60 गुना 3, वैसे ही 80वां जो गुणज होगा वह 60 गुना क्या होगा, 80 होगा। अगर बात करें 60 को कॉमन ले ले मेरे दोस्त, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, यहां आ जाएगा कितना 80, यहां आ जाएगा क्या 80। मेरी बात समझिएगा, 60 कॉमन अगर हम ले लें तो आ जाएगा ब्रैकेट में 1 यहां बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा, यहां 4 बचेगा और यहां 80 बचेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 60 इंटू 1 से लेकर 80 तक के सभी संख्याओं का योगफल जब आप निकाल रहे होंगे तो आपका आ जाएगा 80 गुने 81 बटा कितना 2, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये काट लीजिए 40 बार में, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 60 गुने 40 गुने 81, 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 तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे मेरे दोस्त, तो आ जाएगा 1944 00, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब बताइए, थोड़ा सा स्लो हो गए हैं, अब बताइए समझ में आ रहा है। चंद्रशेखर जी, प्रशांत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो सबसे पहला चीज आप समझेंगे, अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक नोट और लिख लेंगे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के,
वर्गों का यानी स्क्वायर का समेशन सम बराबर होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू क्या टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट एन सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स नंबर्स स्क्वायर स्क्वायर बराबर होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ध्यान दीजिए क्या हमने कहा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स स्क्वायर बराबर बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। अब ध्यान समझिए, जब ये सवाल आया हमारे पास तो तरीका क्या होगा मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा समझेंगे तरीका क्या होगा। जैसे हमने कहा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डॉट 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 अप टू टेन का स्क्वायर बराबर 385 है। 385 है, हमको चाहिए क्या दो का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस छह का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 20 का स्क्वायर। समझना मेरे दोस्त, देखो दो तरीके से ये सवाल आपका दो तरीके से आपका सवाल पूछा जा सकता है कि फास्ट हो जाएंगे मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फ्री एजुकेशन सेंटर, फ्री एजुकेशन सेंटर आप ध्यान दीजिए, फास्ट तो होना ही है, बस आज फर्स्ट डे है, मेरी बातों को आप समझ लें, मैं आपकी बातों को समझने लगा तो इसका मतलब है कि हम लोग फर्स्ट कर सकते हैं। आज फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया, स्लो तो रहूंगा। अब बताओ अगर मैं फास्ट पढ़ा दूं और कुछ विद्यार्थी को जो है समझ में नहीं आए तो ये फिर पढ़ाने का कोई मजा ही नहीं है और फिर पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सभी विद्यार्थी को लेकर चलना है हमें, इस चीज का ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। फास्ट बिल्कुल रहेगा बैच, नो डाउट, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं होगी। आपका 2 बजे से क्लास होगा, 2 बजे एक चित्त चालू होगा, कभी 5 मिनट की भी डिले नहीं होगी। 3 बजे तक आपका क्लास है तो 3:05 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2:05 नहीं होगा। जब स्टार्टिंग होगा तो 2:05 नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, आप मेरे पर भरोसा किए हैं, मैं आपको वादा करता हूं आपको 35 में 35 मार्क्स दिलाऊंगा। बस इरादा आपका मजबूत होना चाहिए, कभी भी आपके उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके उत्साह में कमी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि आप मेरे साथ चल नहीं पाएंगे। जिस एनर्जी के साथ मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं उसी एनर्जी के साथ आपको घर पर भी पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है, जिस उत्साह के साथ मैं यहां हाजिर हूं उसी उत्साह उमंग के साथ आपको घर पे पढ़ना है मेरे दोस्त। इस चीज का ख्याल रखें, बिल्कुल मैं कोताही नहीं करूंगा, हर कंसेप्ट दूंगा ताकि आपका जो सीबीटी 2 है और ग्रुप डी है, ग्रुप डी में भी बहुत बेहतर सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रुप डी में भी बेहतर सवाल पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपका दोनों लेवल को हम कमेंट दोनों लेवल को हम लेकर चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस सीबीटी 2 वालों के लिए होगा क्योंकि सीबीटी 2 के लिए ही हमने अनाउंस किया था, तो ग्रुप डी भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आप एकदम आराम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मैथ बिल्कुल कम है, सर आप जैसा हैं बिल्कुल स्लो भी, जैसा सभी को समझ, हाँ बिल्कुल ये चीज आप बिल्कुल इग्नोर कर दे इस चीज को, मैं फास्ट हो जाऊंगा उसके लिए कोई टेंशन लेने आपको आवश्यकता नहीं। आज फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो हो गया, और स्लो होना भी पड़ेगा, आपको नहीं समझ में आए तो फिर मेरे पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है, आप समझेंगे। यहां इस तरीके के सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है, मंडे टू सैटरडे चलेगा या मंडे टू फ्राइडे। देखिए मेरे दोस्त, अभी जो फिलहाल एक वीक का है मंडे टू फ्राइडे ही रखेंगे, बाद में आगे चलकर मंडे टू सैटरडे भी किया जाएगा, ठीक है, मंडे टू सैटरडे भी किया जाएगा, अभी तो फिलहाल आपका मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा, लेकिन अगले वीक के बाद से हो सकता है कि मंडे टू मैं सैटरडे कर दूं, ठीक है। थोड़ा सा अभी और लड़के हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं जिसका मुझे इंतजार है, तो वो थोड़ा सा इंतजार पूरा हो जाए, एक बार बैच में एडमिशन जब क्लोज हो जाएगा तब हम आपका मंडे टू सैटरडे करेंगे। चलिए देखिए, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर मैं बात कहूं मेरे दोस्त इस सवाल में कि ये पहला पद जो है ना डबल किया गया है, कितना किया गया है 2 गुना किया गया है, ये भी आपका 2 गुना किया गया है, और ये वाला पद भी आपका क्या 2 गुना किया गया है। अगर प्रत्येक पद 2 गुना किया जा रहा है, 2 गुना किया जा रहा है तो आप लिखेंगे वैल्यू 2 गुना, ठीक है।
अगर तिगुना किया जाएगा तो आप लिखेंगे तीन, अगर चार गुना किया गया होगा तो लिखेंगे चार, और उसके बाद देखिए ये दोगुना हुआ तो दोगुना तो लिखा, लेकिन स्क्वायर दोनों पे है तो यहां आ जाएगा कितना स्क्वायर इंटू जो पहले वाला वैल्यू है ना उसको लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 4 × 385, 4 × कितना 385 बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 1540 के, 1540 के बराबर हो जाएगा, 1540 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ध्यान से समझना, कभी कभी एग्जाम में क्या होगा मेरे दोस्त, कभी कभी ये आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, ये नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा केवल ये 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर · 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ध्यान समझना थोड़ा सा, एक नोट यहां नोट कर लीजिएगा, नोट क्या है ध्यान से देखिए, नोट क्या होगा समझिएगा, 2 से स्टार्टिंग होगा, यहां एक चीज हमको दिख रहा है कि ये केवल और केवल जो है ना, केवल और केवल इवन नंबर का स्क्वायर है, केवल और केवल इवन नंबर का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर · 20 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, नोट क्या होगा, अगर केवल इवन नंबर का स्क्वायर हो, केवल क्या हो इवन नंबर का स्क्वायर हो, तो यहां हम लिख देंगे प्लस एन का स्क्वायर, ये एन जो होगा, ये एन जो होगा वह इवन नंबर होना चाहिए, यहां जो एन होगा ये एन क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक और बढ़ाएंगे एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6, बस बात खत्म। ध्यान समझिएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर · n का स्क्वायर, और n क्या होनी चाहिए इवन नंबर होनी चाहिए, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। अब क्या होगा, n का वैल्यू, अब इस सवाल के लिए अगर बात करें तो n का मान यहां 20 है, तो आप रखेंगे 20 × 21 × 22 याद कैसे करना है, यहां के बाद एक आगे उसके बाद एक आगे, यानी 20 × 21 = 22 यहां से काट लीजिए 2 से 3 बार में 2 से 10 बार में 3 × 7 = 22 + 54 = 154 × 10 यानी 1540 इज द राइट आंसर 1540। ध्यान दीजिएगा, कोई भी विद्यार्थी अगर मान लिया जाए कि यही सेम क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे यहां तो हमने ऑड इवन नंबर को रखा था, केवल और केवल ऑड नंबर भी हो सकता है, तो ये जो नोट होगा इवन के लिए तो होगा ही होगा, या ऑड के लिए भी होगा, यानी 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर · n का स्क्वायर · n स्क्वायर। तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट यही वाला लगा सकते हैं n × n + 1 × n + 2 / 6 n × n + 1 × n + 2 / 6। अब ध्यान देना, जैसे सवाल मान लो कि पूछा गया 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर · 19 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 1 से लेकर 19 तक का केवल और केवल क्या है मेरे दोस्त, केवल और केवल ऑड नंबर है, तो तरीका क्या होगा, डायरेक्ट रखेंगे 19 × 1 = 20 × 21 = 6 काट लीजिए 2 से 10 बार में 2 से 3 बार में 3 × 7 = 21 × 7 = 33 1330 इस सवाल का सही उत्तर होगा, 1330 इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, इससे पहले, इस सवाल के पहले एक सवाल एनटीपीसी में क्या आया समझ लीजिएगा मेरी बात को, ये इस प्रकार से आया मेरे दोस्त, 1 + 2 + 3 + 4 · 49 + 50 + 49 + 48 + …3 2 1 3 2 1। ध्यान दीजिए, आप अगर कंसेप्ट जान रहे हैं, कंसेप्ट जान रहे हैं तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। देखो तो मेरे दोस्त, 1 से लेकर 50 तक लगातार लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 50 तक, यहां तक जो है ना इंक्रीमेंट ऑर्डर में है, और यहां के बाद से डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि इधर से जब आएंगे तो 1 से लेकर 49 तक है, और इधर से जब जाएंगे तो 1 से लेकर 50 तक है, तो यहां तक का सम अगर हम लिख दें तो 50 × 51 / 2 प्लस, ध्यान समझिएगा, 50 × 51 / 2 प्लस, यहां से अगर 1 से लेकर 49 तक आएंगे तो 49 × 50 / 2 लिखा जाएगा, 49 × 50 / 2 लिखा जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये मेरे दोस्त आपका आ जाएगा कितना 2500।
ध्यान समझना, ये तो बेसिक चीजें हो गई, ये आपका बेसिक चीजें हो गई, ध्यान देना है। अगर एक से लेकर 50 तक और एक से लेकर 49 तक है, एक से लेकर 50 तक और एक से लेकर क्या 49 तक है, तो आप समझेंगे क्या, समझना क्या होगा आपको, ध्यान से समझिए कि जब इस तरीके का सवाल मिलेगा कि एक तरफ से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है और दूसरे तरफ से क्या घटते हुए क्रम में आ रहा है, तो तरीका होता है कि जहां से बढ़ना या घटना शुरू हुआ है मेरे दोस्त, जहां से बढ़ना और घटना शुरू हुआ है, जैसे 50, 50 तक तो बढ़ा लेकिन 50 के बाद से घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो जहां से घटना शुरू होगा, जहां से घटना शुरू होगा मेरे दोस्त, वहां की संख्या को निकाल लो, 50 निकाल लो और इसका स्क्वायर कर दो, 5, 25। मेरी बात समझ में आई होगी, हमने क्या कहा कि जहां से घटना शुरू हुआ होगा वहां की संख्या को निकाल लीजिए और उस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, उस संख्या का क्या स्क्वायर कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अपने सवाल की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तीन लगातार विषम संख्याओं में से यदि प्रथम दो संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या से 5 अधिक है, ध्यान समझिएगा, अगर आप जानते हैं मेरे दोस्त, तो जब भी विषम संख्या और सम संख्या की बात होती है तो पहली विषम संख्या अगर 1 है तो दूसरी विषम संख्या 3 होती है, यानी पहले वाली विषम संख्या में 2 जोड़ने पर आपको 3 आती है, यानी अगर हम बात करें कि तीनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो पहली अगर x होगी तो दूसरी x प्लस 2 होगी और तीसरी x प्लस 4 होगी। वही सेम चीज आपका सम संख्या के केस में भी चलता है, इवन और ऑड में भी चलता है, इवन में भी वही केस चलेगा कि फर्स्ट इवन इज अगर x होता है तो सेकंड विल बी x प्लस 2 एंड थर्ड विल बी क्या x प्लस 4। यानी आप कहेंगे कि पहली विषम संख्या अगर x है तो दूसरी x प्लस 2 होगी और तीसरी आपकी x प्लस, मेरे दोस्त इसमें 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगी। कहा गया है कि तीन लगातार विषम संख्याओं में से यदि पहली दो का योगफल तीसरी से 5 अधिक है, इन दोनों का योगफल इससे कितना अधिक है, 5 ज्यादा, यानी इन दोनों के अंतर में से इसको घटा लेंगे, यानी 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 4 बराबर किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 5 अधिक है। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 5, यानी x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 7, x का वैल्यू 7, यानी पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 7 2 9 और ये हो जाएगी 7 4 11। तो हमसे पूछा गया है इनमें से बीच वाली संख्या का मान क्या होगा, बीच वाली संख्या देख लीजिए 9 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 210 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें एक टॉपिक पढ़ना है, आगे चलकर हम लोग पढ़ रहे होंगे, आगे चलने के बाद वो चीज हम पढ़ेंगे कि एवरेज, और एवरेज क्या कहता है कि अगर कोई भी श्रृंखला कोई भी सीरीज आपका एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, अर्थात समानांतर श्रेणी में हो, तो एपी में होने के बाद अगर उनके पदों की संख्या ऑड हो, पदों की संख्या क्या हो, ऑड होती है, तो हमेशा एवरेज निकालने पर बीच वाली संख्या आती है, हमेशा एवरेज निकालने पर क्या आती है, बीच वाली। जैसे हमने क्या कहा समझिएगा थोड़ा सा, 1 2 3 4 और 5, अगर मैं बात कहूं कि इन सभी का योगफल क्या होगा, तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15 15, इनकी संख्या कितनी है, 5 है, 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 3, देखो 3 क्या बीच में है, 3 आपका बीच में है, 3 आपका बीच में है। हमने क्या कहा कि अगर पदों की संख्या ऑड हो, पदों की संख्या क्या हो, ऑड हो, तो हमेशा एवरेज निकालने पर, हमेशा एवरेज निकालने पर बीच वाली संख्या हमें मिल जाती है, एवरेज निकालने पर हमेशा बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो अब बात करते हैं अपने सवाल पे, कहा गया है 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, 7 लगातार प्राकृत संख्या है मेरे दोस्त, अगर पहली आप x मानोगे, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी, इस प्रकार से जब आप चल रहे होंगे तो 7 तक तो मान लीजिए कि सबको लिखने के बाद जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर 15 संख्याएं या 20 संख्याएं दे दे तो उस केस में आप फंस सकते हो। तो तरीका क्या अपनाना है समझिएगा, 7 संख्याओं का योगफल 210 है, यानी एवरेज जो होगा
एवरेज जो होगा 210 बटा 7 होगा, यानी 30 का होगा। कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, ये 30 है, इसके बाद तीन संख्या होगी, इसके पहले तीन संख्या होगी। देखिए समझिएगा, बीच वाला 30 आ गया, बीच वाला कितना आ गया 30, इसके बाद तीन संख्या होगी और इसके पहले भी तीन संख्या होगी। अगर इसके पहले एक संख्या होती तो एक कम होता, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अगर यही चीज सम और विषम होता तो इससे एक पहले होता तो दो कम होता, दो ज्यादा होता। मेरी बात समझ में आ रही? अगर एक टर्म पहले जाता और सम और विषम का केस बनता तो दो संख्या यानी दो नंबर कम होता या दो नंबर ज्यादा होता। जब नेचुरल नंबर है तो ये तो लगातार चलने वाली संख्या है, यानी 30 के पहले तीन, 30 के पहले तीन यानी 30 में से तीन गुना एक घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 27। सबसे छोटी संख्या 27 हो जाएगी, और सबसे बड़ी की बात करें तो तीन गुना एक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 27 हो जाएगी। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? 27 इज द राइट आंसर, 27 इज द राइट आंसर। आज हम लोग इस सेशन में इतना ही रखेंगे, अगले सेशन में फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ मंडे को। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।